नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान से इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें, वहां पर इमरान खान के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता इस समय सड़क पर उतरे हैं। सड़कों पर हंगामा वहां पर शुरू हो चुका है। खबर यह है कि सत्तारूढ़ गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सुप्रीम कोर्ट के इमरान खान के समर्थन में दिए फैसले से बहुत ज्यादा नाराज है। और पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता और कार्यकर्ता इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है। सड़कों पर महिलाएं उतर चुकी हैं और चीफ जस्टिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में चीफ जस्टिस के खिलाफ इस गुस्से की वजह है इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट से रिहाई का वो आदेश, और इसी आदेश के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इमरान के विरोधियों के निशाने पर हैं। और इमरान खान की रिहाई पर वहां के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पीडीएम यानी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में मरियम नवाज समेत कई नेता मौजूद रहेंगे और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध और गैर कानूनी बताकर रिहा करने का आदेश दिया था। पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने ऐलान किया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के जज इस्तीफा नहीं देंगे तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। इस प्रदर्शन में पीएमएल यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग समेत 13 राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचेंगे। बताया गया कि मरियम नवाज भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगी। और उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने वहां की जनता से संविधान बचाओ आंदोलन की अपील कर दी है। खबर यह है कि पाकिस्तान में उनकी पार्टी पीटीआई पर बैन लगाया जा सकता है। इमरान खान ने लोगों से एकजुट होकर प्रदर्शन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आवाम एक घंटे के लिए संविधान बचाओ के बोर्ड लेकर घर के बाहर खड़े हो। इमरान खान को भले ही कोर्ट से राहत मिल चुकी है और वो जेल से बाहर है, लेकिन मुसीबतें उनका पीछा छोड़ती नहीं दिख रही। लिहाजा वो खुद को और अपनी पार्टी को बचाने के लिए नई नई प्लानिंग इस वक्त कर रहे हैं, तो शहबाज सरकार को भी कोसने से पीछे नहीं हटते। इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया और पाकिस्तान में मचे हाहाकार के लिए शहबाज सरकार को जिम्मेदार बताया। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी रेंजर्स के जवानों पर मारपीट का आरोप लगाया। पाकिस्तान में अभी जो हालात बने हुए हैं उससे तो यही लगता है कि इमरान खान को फिर से किसी न किसी बहाने गिरफ्तार किया जा सकता है। और सिर्फ यही नहीं, उनकी हर गतिविधि पर सरकार की पैनी नजर भी है। वहीं इमरान के समर्थक और कार्यकर्ता भी हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। सिर्फ पाकिस्तान की सरकार ही नहीं, पाकिस्तान की सेना भी इमरान खान के निशाने पर है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में तानाशाही के हालात हैं और एक बार फिर से 1971 जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान के लोगों से हकीकी आज़ादी और पाकिस्तान को बचाने के लिए आगे आने की अपील कर रही हैं, तो शहबाज सरकार भी इमरान खान के समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार है। और उधर पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थकों ने सरकारी संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचाया। पंजाब प्रांत के कार्यवाहक मुख्यमंत्री मोहसिन नकवी ने इस बात की जानकारी दी और बताया कि इमरान खान के समर्थकों ने प्रदर्शन कर सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया। उनका ये बयान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर वहां हुए विरोध के बाद आया। उन्होंने बताया कि लाहौर में हिंसा की वजह से पुलिस की 12 बसों 1122 मोटरसाइकिल और कई एम्बुलेंस को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं कोर कमांडर के घर समेत 23 इमारतों में आगजनी और तोड़फोड़ की गई और ये एक योजना के तहत सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाया गया। और पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह एक बार फिर से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जमकर बरसे और पाकिस्तान में हुए प्रदर्शन के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो हिंसा हुई वो उनकी प्लानिंग के मुताबिक की गई थी। उनके मुताबिक इमरान खान ने अपने समर्थकों को ये बताया था कि उन्हें कहां कहां हिंसा करनी है। इस मकसद के लिए बाकायदा लोगों को ट्रेनिंग दी गई पेट्रोल बम बनाने की। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि उनके खिलाफ जो भी सबूत मिले उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। इसके साथ ही जिन लोगों ने हिंसा आगजनी की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी रिहाई के बाद देश की सरकार और सेना पर जमकर हमला भी बोला और उन पर कई बड़े आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त लोकतंत्र सबसे निचले स्तर पर है। पाकिस्तान में इस तरह के हालात उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखे। सो डेमोक्रेसी इज एन ऑल टाइम लो, द ओनली होप वी हैव इज द जुडिशरी। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी पर भी हमला बोला और कहा कि उन्होंने मेरा किडनैप किया और मुझे मारने की कोशिश की। इतना ही नहीं, मेरे घर को भी निशाना बनाया गया।
और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा इमरान खान पाकिस्तान की शहबाज सरकार पर भी जमकर बरसते हुए दिखे और उन पर चुनाव से डरने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सारी पार्टियों को डर है कि अगर चुनाव हुआ तो पीटीआई उनका सफाया कर देगी। इंटेंशन इज दैट दे वांट मी आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस। इमरान खान ने कहा कि उनका मकसद ऐसे वक्त में चुनाव कराना है जब मैं ना रहूं। दे हैव डिसाइडेड दैट द ओनली वे दे'ल अलाउ इलेक्शंस इज इफ आई एम इनसाइड जेल और किल्ड। इमरान का आरोप है कि उनकी मौजूदगी में सेना उनके घर में घुसी, वहां तोड़फोड़ की और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के साथ बदसलूकी की।